रही है, लाखों दीप जले हुए हैं, लाखों दीपक जलते आ रहे, हाथी घोड़ों का झुंड दिखाए, लगातार चल रही फौज थी, घना घोर जंगल में परिक्रमा रही लगा, तीन बार परिक्रमा लगाई, फौज प्रणाम करते जाए, जिस रास्ते से फौज थी आई, उस रास्ते से वापस जाए, अद्भुत सपना महंत ने देखा, भय गया उसके मन में समाए, वापस अपने गांव को आया, सपने के बारे में सोचत जाए, सोचत सोचत महंत है सोया, फिर बालाजी सपने में आए, तीन मूर्तियां उसने देखी, मंदिर में बैठे मुस्कान, बड़ा विशाल भव्य था मंदिर, बड़ा विशाल भव्य था मंदिर, महंत के जो सपने में ध्यान लगा, मेरी सेवा करो महन तुम, मेरे शरण में ध्यान लगा, यहाँ मैं अपनी लीला करूंगा, बालाजी सपने में दिखा, नहीं विश्वास किया सपने का, नींद खुली सुबह हो आए, जैसे ही पूजा पे बैठा, स्वयं बालाजी गए ने सारी बात बताए, सभी सुने महंत की बातें, सारे सुन के गए हर साल, गांव के सारे लोग चल दिए, हाथ में अपनी कोदाल उठाए, जहां महंत ने सपना देखा, उसी जगह पे सबको लाए, खोद रहे थे मिलकर धरती, पत्थर से कोदाल टकराए, मिट्टी हटाकर सबने निकल के बाहर आए, पुणे खुदाई लगे करने, तो भैरव की मूर्ति गई दिखाए, भैरव की मूर्ति को निकाले, तीन मूर्तियां बाहर आए, एक ही जगह पे तीन मूर्तियां, देख के सारे भक्त हर साल, छोटा सा मंदिर बनवाए, मूर्तियां स्थापित दी करवाए, महंत जी मंदिर बनवा, वहां के राजा के पास में आए, राजा से महंत जी बोले, राजा से महंत जी बोले, दिए है सारी बात बताए, राजा
विश्वास रहा फैला, कारीगर की कलाकृति है, पत्थर पे है दीवनवा, जिसको तू देवता कहता है। मेरा मन ना मानने पाए, क्यों विशाल मंदिर बनवाऊं। राजा बोला क्रोध में आए, जैसे ही राजा क्रोध में आए, चमत्कार वाला दिखलाए, धरती में धसने लगी है मूर्ति, तीनों मूर्ति गायब हो आए, देख के चकित हुआ है राजा। मन ही मन में रहा पछता, बालाजी का ध्यान लगाया, राजा अर्ज किया है, जाए माफ करो मुझको बालाजी, मेरी चूक क्षमा हो जाए। जैसे ही राजा क्षमा है मांगे, माफ किए बाला मुस्का, दक्षिणा मैं दूंगा भेजवा, हजारों वर्ष पुराना मंदिर, महिमा जिसकी न वर्णी जाए, बालाजी की मूर्ति में से आज भी चमत्कार दिखला, बाएं तरफ के सीने में से जल की धारा बहती जाए, चाहे कितने भी चोला चढ़ाओ, फिर भी बंद न होने पाए, भक्तों को जल से छींटे लगते, आशीर्वाद वाला बरसा, जिस पे भी जल से छींटा लगता, उसके कष्ट दूर हो जाए। दो पहाड़ियों के बीच में मंदिर, घाटी में ही रहा दिखा, इसलिए प्यारे बालाजी। घर की बाधा शांत हो जाए, भूत प्रेत का यहाँ निवारण, मंदिर में आते हो जाए, तंत्र मंत्र से ग्रसित व्यक्ति यहाँ पे आके ठीक हो जाए, बिना दवा के ठीक ही होते। बालाजी की कृपा पाए, भूत प्रेत के बाधा वाले यहाँ पे रहते, डेरा जमा जाते। बालाजी कृपा बरसा, मुगल काल के बहुत से शासक, मुगल काल के बहुत से शासक बालाजी के पास में आए, सोचे मूर्ति नष्ट करा दूं, लेकिन सफल न होने जितने ही मूर्ति को खोदते, मूर्ति अंदर धसती जा, हार गए वो कोशिश करके। बाला चमत्कार दिखला, सैकड़ों वर्ष पुराना चोला, स्वयं बाला जी दिए हटा, त्याग दिए है पुराना चोला, भक्तों ने नया दिया पहना, सन रहे अंग्रेज चला, भक्त जन चोला को लेकर मांडावर स्टेशन आ।
स्टेशन मास्टर बोला। इसका किराया दो चुका चोला का लगा वजन करने, कभी ज्यादा कभी कम हो जाए, चकित हुआ स्टेशन मास्टर। ऐसा कभी भी होता ना, चमत्कार देख बालाजी का। स्टेशन मास्टर गया हर साल किया प्रणाम है वो चोले को, भक्तों से बोला वो जाए फिर में संग ले जाओ चोला। स्टेशन मास्टर बोला हर साल मेरी तरफ से बालाजी को, देना तुम प्रसाद चढ़ा बालाजी का चोला लेकर। बालाजी का चोला लेकर गंगा तट पे भक्त है आज, चोला विसर्जन किया गंगा में, वापस फिर मंदिर में आए नया चोला जब चढ़ा बाला को। यज्ञ हवन सभी भक्त कराए, धर्म ग्रंथों का पाठ कराए, नियम से चोला पहनवाए, ब्राह्मण को भोजन भी कराए। चोला चम चम चमकता जा, दिव्य ज्योति निकली चोला से, जो देखे देखत रह जाए सूर्य उदय का भव्य नजारा। रहा है मंदिर में दिखला ऐसा लगे जैसे बाला का, दर्शन करने सूर्य है आए, बड़े चमत्कारी बाला है। ज्ञान की ज्योति रहे फैला, प्रेत राज सरकार यहाँ है। प्रत्यक्ष देख पाए भूत प्रेत की बाधा कैसे, लोगों को कष्ट रही पहुंचाए सहज ही कैसे ठीक हो जाते। यहाँ पे आके देखा जाए यहाँ पे जो भी भक्त है आते, तीनों को प्रसाद चढ़ाए बालाजी को लड्डू चढ़ता। प्रेतराज मन चावल भाए, चढ़ते चावल प्रेत को भैरव जी को लड्डू चढ़ा, इस प्रसाद में से दो लड्डू। इस प्रसाद से दो लड्डू प्रेत से ग्रस्त रोगी भी खाए, शेष प्रसाद पशु पक्षी खाते। जो देवों के दूत कहा प्रसाद दोंगे या थाली में, पशु पक्षी को दिया है जा, प्रसाद के लड्डू को खाते ही। लड्डू देता रंग दिखा, रोगी व्यक्ति झूमने लगता। भूत प्रेतन पर आ जाए, भूत परे सब अपना परिचय। तन पर आके सोम बतला, पीड़ित व्यक्ति कभी सिर धुनता, कभी जमीन पे लेटे हो जा जोर जोर से चिल्लाता वो, कभी पेड़ों पर चढ़ जाए बालाजी के सारे पर वो। प्रेत यहाँ से चलता है, भूत करे यहाँ आत्मसमर्पण। संकट तलता
कभी भी नहीं सताने पाए। चार घंटे प्रातः और संध्या पूजन बाला का किया जाए, भजन आरती चालीसा का गायन निस दिन रहा सुनाए। पंक्तिबद्ध हो सभी भक्त गण, बाला को प्रसाद चढ़ाए। प्रेत राज सरकार यहाँ पे दंड अधिकारी है कहला, चोला चढ़ता श्रद्धा पूर्वक भक्त चढ़ाए। बालाजी के सहायक देवता बालाजी के सहायक देवता प्रेतराज सरकार कहा। मेहंदीपुर दरबार बाला का स्वर्ग से सुंदर रहा दिखा, आस्तिक बन जाते बाला के दरबार में आए। कलयुग के महावीर देवता मेहंदीपुर बाला कहलाए। कोतवाल कप्तान श्री भैरो यहाँ पे अपनी कृपा बरसाए। शंकर के अवतार प्रभु जी अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। रूप चतुर्भुज भैरो जी का अति सुंदर छुल डमरो हाथ में खप्पर, अंग बबूती लिए लगाए। कटासी श्री ब्रह्मा जी का चौथे हाथ में रहा दिखाए। दुष्टों को ये नहीं छोड़ते ग्रस्त हो जाए। मंदिर में जाने से पहले लहसुन प्याज न खाया जाए। मंदिर में नहीं खाते पीते अति शुद्ध मंदिर कहलाए। पीछे मुड़ के कभी न देखे, जब भी आप मंदिर में जाए यही नियम है इस मंदिर का। मंगल ग्रह का दोष है कटता, बालाजी कृपा बरसाए।
धन की